जय श्री केदार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ डिवाइन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, चार धाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और कई सारी नई अपडेट इस समय निकल के आ रही हैं चार धाम यात्रा को लेकर। और दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को हमारे साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी कंपनी देवस्थान एक्सपर्ट ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड है जो कि हरिद्वार बेस्ड है और हम आप लोगों को चार धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा और भगवान शिव की अन्य तीर्थों की यात्रा कराते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे थ्रू, हमारी इस कंपनी के थ्रू यात्रा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए पैकेज, गाड़ी, होटल, हेलीकॉप्टर, ये सारी फैसिलिटीज़ बुक कराते हैं। दोस्तों, अगर आप जून, जुलाई, अगस्त के लिए हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए जल्द से जल्द आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, क्योंकि अभी स्लॉट खुलने वाले हैं IRCTC पे और जैसे ही स्लॉट खुलेंगे वो तुरंत फुल हो जाते हैं और उसके बाद कोई भी तरीका नहीं है हेलीकॉप्टर का टिकट लेने के लिए। इसलिए अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से जल्द संपर्क कीजिए, हम आपके लिए सारी अरेंजमेंट कराते हैं। दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आज आपको कई सारे अपडेट बताने वाला हूं यात्रा को लेकर, कितनी भीड़ है इस समय यात्रा में और रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, कैसा मौसम है इस समय केदारनाथ में और कितना टाइम लग रहा है इस समय दर्शनों के लिए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूं। अगर आप इस समय केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। बगैर यात्रा रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको अपनी गाड़ी का ट्रिप कार्ड और अगर आपकी टैक्सी है तो आपका ग्रीन कार्ड भी होना बहुत ही जरूरी है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके हर एक पड़ाव पर चेक होते हैं और उसके बाद ही आपको यात्रा में आगे जाने दिया जाता है। दोस्तों, तो अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस समय लगभग 15 जून तक फुल हो चुका है। 15 जून तक आपको किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है। और अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर रखे थे, लेकिन आज 31 मई के दिन फिर से रजिस्ट्रेशन को खोल दिया गया है और आप यहां आके अपने ऑफलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन यहां जो ऑफलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन है वो भी भीड़ के अनुसार यहां सुचारू रहते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इनको होल्ड कर दिया जाता है। तो इसलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के चक्कर में यात्रा ना करें, यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ यात्रियों को होती हैं, कई कई दिन यहाँ रुकना पड़ जाता है, उसके बाद उनकी यात्रा स्टार्ट होती है। तो इन सारी कठिनाइयों से बचने के लिए आप अपना ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करा के जरूर आइएगा इस यात्रा में, बगैर रजिस्ट्रेशन आपको यात्रा में नहीं जाने दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्राउड के बारे में कि कितना क्राउड इस समय यात्रा में चल रहा है, कितना समय लग रहा है दर्शनों में, कौन कौन से पड़ाव पर जाम लग रहा है अगर आप इस समय केदारनाथ या चारधाम यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों इस समय यमुनोत्री का जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल हो चुका है, सेम डे यात्री यमुनोत्री पहुंच रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। गंगोत्री में भी हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन केदारनाथ में अभी भी थोड़ा सा जो है व्यवस्था सामान्य से खराब है, क्योंकि अभी भी यहाँ काफ़ी ट्रैफिक है जिसकी वजह से यहाँ गुप्तकाशी से लेकर फाटा तक 10 से 15 किलोमीटर का जाम अब भी यहाँ देखा जा रहा है। दोस्तों, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा स्थिति कंट्रोल में है, जहाँ इस यात्रा को करने के लिए पहले आप 5 से 6 घंटे ही यहाँ गुप्तकाशी जाम में लग जाते थे, अब ऐसा नहीं है, 1 से 1.5 घंटे में ही आसानी से आपका गुप्तकाशी पार हो रहा है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए जो टैक्सियों की लंबी लंबी लाइनें थी तो उनको भी दोस्तों अब थोड़ी सी राहत मिली है, टैक्सी से लोग पहुंच पा रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन से तो ऐसे हालात हो गए थे कि पब्लिक ज़्यादा होते ही टैक्सी सर्विसेज को भी बंद करना पड़ता था और 5 किलोमीटर जो है यात्रियों को पैदल ही गौरीकुंड तक भेजा जा रहा था। ऐसे हालात थे केदारनाथ यात्रा में, क्योंकि इतनी भीड़ दोस्तों एक समय में पहुंच जाती है जिसकी वजह से व्यवस्थाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और खासा दिक्कत होती है यात्रियों को, 5 किलोमीटर गौरीकुंड तक पैदल ही ट्रैक करना पड़ा, ऐसे हालात इस समय थे। लेकिन अब कुछ सामान्य हो रहा है दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से इस यात्रा में ऐसी भीड़ का उछाल आने वाला है, क्योंकि और अक्सर जो है जून में महीने में जो है इस यात्रा में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो ऐसा ही होने वाला है, 1 जून के बाद से एक बार फिर से रश बढ़ने वाला है।
अगर आप भी आना चाहते हैं तो अपनी पूरी प्लानिंग्स के साथ आइएगा, प्रॉपर बुकिंग्स लेके आइएगा, तभी जो है आपको आगे यात्रा में सहूलियत हो सकती है, अन्यथा आपको काफ़ी दिक्कतें इस यात्रा में होती हैं। काफ़ी दुर्गम यात्रा है, काफ़ी जो है इस यात्रा को करने के लिए आपको व्यवस्थाओं की जरूरत होती है दोस्तों। अगर आप इस यात्रा को हमारे थ्रू करना चाहते हैं, पैकेज के थ्रू करना चाहते हैं दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स को इस यात्रा को कराना चाहते हैं या फैमिली के साथ इस यात्रा को करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए जो है बहुत ही अच्छे पैकेज उपलब्ध कराते हैं ताकि आपकी यात्रा अच्छे से हो पाए और पूरे साइट सीन्स, अन्य जो पड़ाव हैं, वो आप अच्छे से इस यात्रा के दौरान देख पाए। तो दोस्तों हमारे से पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपके लिए अरेंजमेंट कराते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कितना समय लग रहा है इस समय धामों में, मंदिरों में दर्शन करने के लिए, कितनी भीड़ है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी मैं आपको अब देने वाला हूँ। दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री में आपको 1 से 1.5 घंटे लाइन में लगकर दर्शन सामान्य लाइनों से बड़ी आसानी से हो रहे हैं। केदारनाथ की बात करें तो दोस्तों केदारनाथ का मंदिर इस समय 2400 घंटे में से 23 घंटे खुल रहा है। जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे ही भगवान शयन के लिए जा रहे हैं, अन्यथा 23 घंटे भक्तों को दर्शनों के लिए मंदिर को खोला जा रहा है, ताकि जो भक्त लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको सभी को दर्शन कराए जा सके, इसलिए दर्शन हो रहे हैं। 3-4 घंटे की लाइनें अब भी केदारनाथ में देखी जा रही हैं और हर यात्री जो है सामान्य लाइन से आकर दर्शन कर रहा है, इस तरीके की व्यवस्था इस समय केदारनाथ में है दोस्तों। और यहाँ एक और नया अपडेट सामने आया दोस्तों, यात्रियों को सहूलियत देने के लिए यहाँ आज 2 थार गाड़ियां भी पहुंची हैं, जो कि सीनियर सिटीजन जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, या विकलांग है, दिव्यांग है, या कोई ऐसा जरूरतमंद है जो कि हेलीपैड से केदारनाथ तक जो है डोली पिट्ठू पालकी से नहीं जा पाता है, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर्यटन विभाग ने 2 महिंद्रा थार गाड़ी भेजी हैं, जो कि वायुसेना के चुनक हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचाई गई है, और इनसे अब यात्रियों को केदारनाथ मंदिर के आसपास जाने के लिए ये सुविधा यहाँ मिल सकती है। और दोस्तों बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में भी काफ़ी भीड़ इस समय चल रही है, 3 से 4 घंटे की 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं धाम में। और लेकिन बद्रीनाथ में VIP पास सिस्टम अभी भी लागू है, VIP पास आप लेकर आसानी से मंदिर में दर्शनों के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 1100 यानी कि 5 मेंबर के ग्रुप के लिए 5500 रुपये देने होते हैं, और आप VIP गेट से जाके दर्शन कर सकते हैं, लंबी लाइनों की कतारों से बच सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके के हालात इस समय यात्रा में चल रहे हैं, यात्रा प्रॉपर है, ऑफलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं, ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, और जल्द ही जुलाई अगस्त के लिए हेलीकॉप्टर भी बुक होने वाले हैं। और दोस्तों जुलाई अगस्त में जो है वो बहुत ही सीमित हेलीकॉप्टर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर कंपनियाँ हैं वो उस समय अमरनाथ चली जाती हैं, तो यहाँ हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो है वो बहुत कम रह जाती हैं, इसलिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो उसके लिए भी आप अभी से प्लान कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए पैकेज उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करना, उम्मीद है वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी। अगर और कोई आपका डाउट है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आप जाके कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। फिर मिलूंगा ऐसी किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ, मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा बद्री विशाल।